अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। आज की जो है वीडियो बहुत ही स्पेशल व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैंने गेसेस ओके जी, मैं खुद ही बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ लोक विरसा इस्लामाबाद में, लोक विरसा म्यूज़ियम में जो है यहाँ एग्जीबिशन लगी है, हर साल एग्जीबिशन लगती है। अगर आपको नहीं पता लेकिन पंडित इस्लामाबाद वाले लोगों को तो पता ही होगा, यहाँ हर साल एग्जीबिशन लगती है डिफरेंट सूबों का। उसमें कल्चर दिखाया जाता है डिफरेंट, जो हर सूबे की स्पेशल जो चीज़ होती है वो उसमें हैंडमेड है, उसमें डिफरेंट और चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारा चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। बहुत बहुत ज़बरदस्त वीडियो आज की होने वाली है। सो आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है, कितनी गाड़ियाँ, कितनी बसेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डिफरेंट शहरों से लोग आए हुए थे, डिफरेंट स्टूडेंट्स आए हुए थे शहरों से, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बसेस बहुत ज़्यादा थी, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे। तो हम तो यहाँ पर रहते हैं तो हम तो आराम से चले गए, लेकिन रश बहुत था। हमने गाड़ी की पार्क और हम पैदल ही चल रहे हैं रवा दवा अपने अपनी मंजिल को। जी हम पहुँच गए हैं, हम पहुँच गए हैं जी लोक विरसा म्यूज़ियम में, जो कि यहाँ एग्जीबिशन लगी है, लोक विरसा एग्जीबिशन इसे आप कह सकते हैं। यहाँ के जो कमाल चीज़ें हैं वो हो गई हैं शुरू, तो देखते जाइए मेरे साथ और इंजॉय कीजिए। चलें जी, ये देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी ही प्यारे ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये मिरर वर्क में, और ये सारे मिरर वर्क इस पर हुआ हुआ है। जितनी भी हमने ये चीज़ें देखी थी, लैंप्स हैं इसमें, मिरर्स हैं, डेकोरेशंस के डिफरेंट पीसेस हैं। और ये जी बलोची सिंह की कढ़ाई जो है, एम्ब्रॉयडरी वाली डिफरेंट शर्ट्स हैं कलरफुल सी। नेक्स्ट ये देखिए मिरर, इसका जो डोर बना हुआ है ये बहुत ही खूबसूरत, इसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बो के साथ ये जो आप वॉल पे हैंग कर सकते हैं इसको, ये भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें जो मिरर है उसके अंदर शीशा है और ये सारा मिरर वर्क के साथ। और ये देखिए ये सिटिंग के लिए इन्होंने बनाया हुआ है और इसको सारी हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी है, सिंधी बलोची इसको हम कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत कलरफुल और बहुत ही अमेजिंग डिफरेंट और न्यू चीज़ें आपको मिलेंगी। तमाम सूबों के जो स्पेशल चीज़ें हैं आज के वीडियो में आप वो देखने वाले हैं, तो कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना और स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। और एक बात, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको अच्छी अच्छी वीडियो की जल्दी से मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वो तो आपको पता ही है कि आपने लाइक एंड शेयर कर देना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन से सबसे आपको अभी हम तो देखेंगे कौन से सूबे की सबसे अच्छी चीज़ आपको कौन सी लगी, कौन सी अट्रैक्ट की आपको, ये आपने ज़रूर मुझे बताना है। और ये देखिए जी ये कितनी खूबसूरत शर्ट्स हैं हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी के साथ, बहुत सिंधी कढ़ाई इस पर हुई हुई है, डिफरेंट इसमें साइजेस अवेलेबल थे, स्मॉल मीडियम लार्ज, और बच्चों की भी आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे, यहाँ आप सबको आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। और इन सब के जो हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, हमने डिफरेंट चीज़ें हैं उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई है और उन्हें प्रेजेंट की है, तो हमें उन सबको इनक्रेज करना चाहिए। ये देखिए जैकेट्स हैं, ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं जैकेट्स भी, हर चीज़ अमेजिंग है। जो जो चीज़ आप देखते जाएंगे आप किसी को भी बुरा नहीं कह सकते, सब बहुत ही खूबसूरत, वाकई तारीफ़ के काबिल आपको लगेंगी। और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, इसीलिए मैंने ये कैप्चर किया आप लोगों के लिए कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाऊं, डिफरेंट जो हमारे पाकिस्तान के सूबों की चीज़ें हैं, डिफरेंट उनकी स्पेशलिटी है वो आपको मैं दिखा सकूं। आई होप कि आपको अच्छी लग रही होंगी। वो जो हमने देखी वो बेडशीट थी हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी, फुली एम्ब्रॉयडरी थी उसकी, बहुत खूबसूरत। ये आपको डिफरेंट इसमें बेडशीट्स हैं, इसमें पिलो कवर्स हैं, इसमें कुशन कवर्स हैं। और ये एलिफेंट वाले देखिए स्काई ब्लू, ग्रीन और ब्राउन के साथ, ये भी हैंडमेड जो है उन्होंने बनाई हुई है। इसमें रग्स हैं, टेबल मैट्स हैं, डाइनिंग टेबल का जो रग होता है उसके साथ जो उसके मैट्स होते हैं, पूरा सेट आपको मिल जाएगा, आप सेपरेट लेना चाहे वो मिल जाएगा। ग्लास के जो मैट्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जो आप डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा कुशन कवर्स हैं, बेडशीट्स हैं, सब चीज़ें बहुत ही कमाल, बहुत ही खूबसूरत। ये कितना कलरफुल है देखिए, बहुत प्यारा कलर कवर है कुशन का। और ये माशाल्लाह वाला कितना खूबसूरत है, वाकई ये माशाल्लाह है। ओके जी, नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिफरेंट पेंटिंग्स, बहुत ही कमाल की थी हर चीज़ पे, आपका वाकई आप कमाल ही कहेंगे देखकर। तो ये जो मैं तो वैसे देख रही थी,
लाइव तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वीडियो में भी आई होप कि आप सबको अच्छी ही लग रही होंगी। पेंटिंग्स बहुत कमाल की हैं, हर चीज़ जो भी आप देखेंगे आपको कमाल की ही लगेंगी। और ये देखिए, ये बुक स्टॉल है, इसमें डिफरेंट बुक्स हैं, आप जो लेना चाहें आप ले सकते हैं। और ये मेरा फेवरेट स्टॉल आ गया जी, ये आपको दिखाना चाहूँगी। ये हैंडमेड पर्सेस हैं, हैंडमेड बैग्स हैं, ये बहुत ही खूबसूरत, इसमें क्लचेस हैं, इसमें बैग्स हैं स्ट्रिप्स के साथ। आप इसको जो है हाथ में भी पहन, यानी कि कैरी कर सकते हैं, या इसको आर्म्स में भी डाल सकते हैं इसकी लॉन्ग स्ट्रिप के साथ। ये कुशन कवर्स हैं, ये आप देखिए वेलवेट के ऊपर इन्होंने जो है क्रिस्टल काम किया हुआ है, क्रिस्टल वर्क के साथ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी क्रिस्टल बीड्स लगे हुए हैं इस पर। और ये बैग्स बहुत खूबसूरत, मैं आपको बताऊँगी कि हमने यहाँ से क्या लिया था। ये देखिए ब्लैक तो बहुत खूबसूरत और वाइट भी बहुत, और इसकी शाइन दिन रात सेम इसी तरह की भी, क्रिस्टल जो स्टोन्स हैं क्रिस्टल वर्क हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत क्रिस्टल बीड्स लगे हुए हैं, तो बहुत खूबसूरत। इसमें शॉल्स भी थी और इसमें जायनिमाज भी थी, बहुत ही खूबसूरत इस वर्क में, बहुत खूबसूरत वर्क लग रहा था। और ये डुडुबी वाले अंकल, मैंने कहा इनको भी कैप्चर कर लें। कमालिया की खजर भी यहाँ पे थी, और ये देखें ये इन्होंने गाँव का सा सेटअप बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही काफ़ी मेहनत। और ये देखिए ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, कुआँ है जी ये। अब हम आ रहे हैं कहाँ पे, खैबर पख्तूनख्वा, डिफरेंट इन्होंने कल्चर जो हमारे डिफरेंट सूबे हैं हम सबको डिफरेंट डिफरेंट इनके सेक्शन बना रहे, हर सेक्शन में आप एंटर होते हैं वो आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये देखिए ये मिरर ग्लास वर्क है, ग्लास कट वर्क के साथ इन्होंने इस पर वर्क किया हुआ है, ग्लासेस पे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। एज अ डेकोरेशन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और प्लेट्स भी बनी हुई हैं, इनकी ग्लासेस भी हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कट वर्क के साथ डिफरेंट इन्होंने पर्ल्स बीड्स क्रिस्टल्स ये सब यूज़ किए हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट, ये है जी सिंधी बलोची एम्ब्रॉयडरी के साथ कुछ शॉल्स हैं, और ये शर्ट्स मैंने आपको दिखानी है, किड्स की शर्ट्स हैं, बच्चियों की शर्ट्स ले सकते हैं, बहुत खूबसूरत कलरफुल एम्ब्रॉयडरी के साथ, और फैब्रिक भी बहुत फाइन था इनका, ये लॉन फैब्रिक में है सारी, बहुत प्यारी लग रही है इनकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत फाइन और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और मैं आपको ये वाइट वाला दिखाती हूँ, ये बहुत ही छोटी मोटी चुनी होनी बच्ची का था, बहुत ही प्यारा लग रहा है बच्चे के लिए है, मतलब छोटी सी बच्ची के लिए, 6 मंथ्स की बेबी के लिए आई थिंक है साइज। और ये देखें ऑरेंज ब्लू और पिंक के साथ ये बहुत प्यारी लग रही है, मिरर वर्क भी है इसमें, एम्ब्रॉयडरी है बहुत खूबसूरत। ओवर व्यू है सबको देखें आप, यहाँ म्यूजिक भी था और डिफरेंट लोग ये देखिए म्यूजिक भी एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज हैं वो सब चीज़ें देख रही हैं, तो बहुत ही अच्छा सा बहुत ही प्यारा सा जो इन्होंने एग्जीबिशन थी बहुत खूबसूरत थी। ये देखिए ये स्टोन्स के साथ इन्होंने ये बनाई हुई हैं, बहुत खूबसूरत, दूर से लग रहा है कि ये पेंटिंग है लेकिन ये स्टोन वर्क के साथ इन्होंने ये फ्रेम्स बनाई हुई हैं, बहुत प्यारी लग रही थी, ये भी एक डिफरेंट चीज़ थी। और ये देखिए ये आपको मैं आपको दिखा रही थी रनर्स एंड टेबल मैट्स आपको दिखा रही थी, इसमें जो टिशू पेपर का जो है उसका कवर भी आपको मिल जाएगा, बहुत खूबसूरत। ये पूरी शॉल बैग्स हर वैरायटी है, यानी कि इस वर्क के साथ बीड्स हैं इसमें। ये देखिए एक तो ये सिंपल एम्ब्रॉयडरी के साथ भी हैं और बीड्स और सीक्वेंस वर्क के साथ भी, ये दोनों इसमें हैं, इसमें मैट्स हैं और रनर्स हैं, कुशन कवर्स भी हैं, जो आपकी मर्जी है आप वो ले सकते हैं। ये देखिए ये स्टॉल कितना ही ज़बरदस्त, इसमें इन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं, ये पैरट्स डक्स और ये बोट बनी हुई है, ये भी सारी हैंडमेड हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत। आपने अपना कमेंट मुझे लाजमी बताना है, अपनी राय क्या आपको आज की वीडियो कैसी लगी, डिफरेंट चीज़ें आपने इन्जॉय की मेरे साथ,
आई होप कि आप सब इंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ। और ये देखिए, ये भी मैंने कैप्चर किया आप लोगों को दिखाने के लिए। हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट थी और अमेजिंग थी रियली। सेटअप इनका देखें, इनकी डिफरेंट चीज़ें देखें, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब तो ये नेक्स्ट ईयर लगेगा, जो ये है एग्जीबिशन नेक्स्ट ईयर लगेगी। हर साल ये लगती है इस्लामाबाद में, लोक विरसा म्यूज़ियम में ये एग्ज़िबिशन लगती है। तो आप भी अगर पिंडी इस्लामाबाद आकर इनको देखना चाहते हैं इस्लामाबाद में, तो ज़रूर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। डिफरेंट शहरों से लोग आए हुए थे और डिफरेंट स्टूडेंट्स भी आए हुए थे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की बहुत बसेस थी, बहुत गाड़ियाँ थी बाहर। इसी वजह से हमने गाड़ी बाहर पार्क की और ख़ुद हम फिर थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस था तो हम फिर चलकर यहाँ पे अंदर आए। लेकिन बहुत अमेजिंग, बहुत खूबसूरत, बहुत ही हसीन अंदर हर चीज़ थी। हर सूबे की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली, तो इससे आपकी एक तो जनरल नॉलेज में इजाफा होता है और डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। हैंडमेड जो है, हमें पाकिस्तान के चीज़ों को इनक्रेज करना चाहिए, उनको लेना चाहिए। ये देखें, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स हैं, हर स्टॉल में एक दूसरे से डिफरेंट चीज़। ओके जी, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आप इंजॉय कीजिए वीडियो।